Morning students, today we will continue our lesson number 3 fiber to fabric. Okay, last time humne kya hai ki puri method padhi thi, process padhi thi ki kya hota hai shearing, sorting, dyeing, removing, wo clothing, wo sab humne padha tha. Theek hai, aaj hum uske aage padhenge aur hamara aaj ka topic hai silk. Humne aaj tak jo hai pehle topic mein wool ke bare mein padha tha, hai na. Aaj hum silk ke bare mein padhenge. Silk kaise operate kar sakte सिल्क ऑप्टेन कैसे और किससे कहाँ से सिल्क आता है वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, तो फर्स्ट है सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. सिल्क फाइबर जो है आपको ऐसा पूछेंगे कि एनिमल फाइबर का काम, तो सिल्क जो है वो भी एनिमल फाइबर ही है क्योंकि वो भी एक एनिमल में से मिलता. वो कौन है, कहाँ से मिलता है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये याद रखना सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. ठीक है, फिर है सिल्कवर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. कौन स्पिन करता है, कौन बनाता है सिल्क फाइबर, तो सिल्कवर्म. सिल्कवर्म कौन, तो सिल्कवर्म. सिल्कवर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर. सिल्कवर्म में से सिल्कवर्म जो है वो सिल्क फाइबर बनाता है. क्लियर, समझ में आया. फिर जो है अब यहाँ पे बोला है कि सेरिकल्चर मतलब क्या, तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. जैसे हमने देखा था ना वूल में कि वूल के इसमें फर्स्ट स्टेप रेयरिंग था, वैसे इसमें भी फर्स्ट स्टेप जो है वो रियरिंग है. क्लियर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. बड़े हो जाते हैं. ठीक
ठीक है, बड़े होते हैं तो पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, और हमारे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। बहुत एक्टिविटी हम पहले नहीं कर सकते थे वो अभी कर सकते हैं, जो अभी कर सकते हैं पहले नहीं कर सकते थे वैसा। तो वैसे ही यहाँ पर हम सिर्फ फोर्थ की पूरी लाइन हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लियर। सबसे पहले तो क्या होता है, तो फीमेल से फीमेल, मेल तो हमेशा होते ही नहीं, कभी भी नहीं होते इंट्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो यहाँ पे भी फीमेल। द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग फ्रॉम विच हैच लार्वा, क्या है इसमें, द फीमेल हमेशा जो है फीमेल में ही, फीमेल में ही रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए फीमेल बोला है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेस बैठने से क्या होता है कि वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं ना, तो उसमें
आपको लिखना है कि द नेक्स्ट पेज ऑफ किसकी तो सेल कॉम्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। सेल कॉम के लाइफ हिस्ट्री को प्यूपा बोलेंगे। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ है, ठीक है, समझ में आया। प्यूपा क्या होते हैं, पहले एग हैच किए, उसमें से लार्वा में से अब जो है वो धीमे धीमे बढ़ेंगे और उसमें से प्यूपा फॉर्म होगा। क्या होगा, प्यूपा, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा 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 वर्कशीट में, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, क्लियर। फिर जो है इट फर्स्ट यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब वो जो है प्यूपा होगा उसमें से आपको एक नेट फॉर्म करेगा अपने हिसाब से। क्यों, तो उसको होल्ड करके रखने के लिए वो एक नेट फॉर्म करेगा, टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को पकड़ के रखने के। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट। एट के फिगर में जो है ऐसा होता है। फिर जो है कुकुन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू
फिर सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर किसके लिए यूज करते हैं? तो वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए सिल्क फाइबर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होता है, कूपा क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट एलिमेंट यहाँ पे सीक्रेट करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रोटीन आप कौन सा में लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, कूपन का मैंने बोला, क्लियर। फिर सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ यूज होता है वो आपको लिखना है, यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है। सिल्क फाइबर जो है वीविंग सिल्क, सॉरी सिल्क जो है इसके लिए वीविंग सिल्क क्लोथ, सिल्क के जो क्लोथ होते हैं वो बनाने के लिए हमें पता है सिल्क के क्लोथ भी मिलते हैं। सिल्क का जो क्लोथ होता है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, इसको हम रेशमी बोलते हैं, रेशमी कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है सिल्क के एकदम, और बहुत शाइनिंग वाला। सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल टू स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ सिल्क। हम ऐसा बोल, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिल्क का जो यार्न होता है वो स्टील के थ्रेड के साथ उसको कंपेरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं? कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो कि जितना सिल्क यार्न स्ट्रॉन्ग है तो सिल्क थ्रेड जो है यान किसमें से बनता है, सिल्क के फाइबर थ्रेड में से। तो यान जितना हम कंपेयर करें तो स्टील का थ्रेड को उतना सिल्क फाइबर भी स्ट्रॉन्ग है, कंपेयर कर सकते हैं, सब इमेजिन कर सकते हैं। द सिल्क यान थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क यान हमें कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन है, द सिल्क यान फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क यान। द yarn is obtained from the cocoon of silk. ये भी क्वेश्चन आपको आएगा कि हमें सिल्क यार्न कहाँ से मिलता है, तो आपको उसमें ये आंसर लिखना है, समझ में आपको क्वेश्चन आएगा सिल्क यार्न कहाँ से मिलता है तो आपको ये आंसर लिखना है उसमें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन कर लो अपने बुक में, आएगा ये क्वेश्चन बॉक्स में, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, फिर अब जो है वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स होते हैं और उसमें जो है सब एक दूसरे से अलग होते हैं कंपेयर टू कैसे, तो उसमें जो सिल्क हमने देखा था वुल जो है बहुत सारे ब्रीड्स में से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड होते हैं और हर एक ब्रीड में से अलग तरीके का हमको वुल मिलता है जो डिफरेंट होता है, टेक्सचर भी कंपेरेटिव लस्ट्रेस होता है वो सब का। वैसे ही यहाँ पे सिल्क में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क हमें मिलते हैं, अलग अलग सिल्क फॉर्म में से, और उसमें जो है उसका टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे, समझ में आए ना। फिर जो है कौन से टाइप के होते हैं और कैसा स्मूथ होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, कोई कोर्स मतलब कि थोड़ा मोटा होता है, ऐसा कौन से आपको, फिर ये एक क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द वैरायटी ऑफ सिल्क या तो सिल्क मॉथ, आपको वैरायटी पता नहीं है सिल्क मॉथ या तो सिल्क, क्वेश्चन आपको आएगा ही बॉक्सिंग में कि वैरायटी ऑफ सिल्क बताओ या तो वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है, तो आपको उसमें वैरायटी बतानी है। तासा, फिर मोगा एंड कोसा सिल्क, तासा मोगा एंड कोसा सिल्क, वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ या तो वैरायटी तासा
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा। और राइट द वैरायटी ऑफ सिल्क, राइट द वैरायटी ऑफ सिल्क नो, तो यू विल राइट तासा सिल्क, मुगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, एक्सेट्रा आर द वैरायटी ऑफ सिल्क, अदरवाइज एक्सेट्रा आर द वैरायटी ऑफ सिल्क वॉर्म। क्लियर, समझ में आया ये वाला? ये इंपॉर्टेंट है, आपको फिल अप में भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। ठीक है, आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो ये पॉइंट। फिर जो है नेक्स्ट, ये कहाँ से हमें मिलता है? कूपन्स, कूपन्स में से ये सारे सेल जो है वो हमें मिलते हैं, वो स्पिन करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सेल इज, आपको क्वेश्चन पूछेंगे मोस्ट कॉमन सेल इज, कौन सा कॉमन सेल है सबसे मोस्ट? द मोस्ट कॉमन सेल इज मलबरी सेल, मलबरी सिल्क जो है वह कॉमन है। और या तो हम ऐसा पूछेंगे मोस्ट कॉमन सिल्क नॉन, तो द मलबरी सिल्क नॉन, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, विच इज द मोस्ट कॉमन सिल्क नॉन, ऐसा या तो सिल्क आपको लिखना है, मलबरी सिल्क नॉट इज मोस्ट कॉमन। क्यों पता है मलबरी सिल्क नॉट इसको नाम दिया? क्योंकि ये जो सिलिकॉन है वो मलबरी ट्री पे रहते हैं, मलबरी ट्री है उसका नेम है, वहाँ पे वो रहते हैं, इसलिए वो इसको नाम मलबरी सिल्क नॉट दिया है। समझ में आया? ये मोस्ट कॉमन पूछेंगे तो आपको ये लिखना है, पूछेंगे मतलब आएगा ही, इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, आपको ये नोट डाउन जो है ये पॉइंट करना ही है। क्लियर, अब आगे देखें, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मॉथ इज सॉफ्ट लक्जरियस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइजेस्टेड फूड। जो हम कोकून में से जो सिल्क निकलता है कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, लस्टरियस, लस्टरियस मतलब उसमें चमक होती है बहुत, वैसा सिल्क होता है। समझ में आया? कैसा होता है? सॉफ्ट, स्मूथ, लस्टरियस, चमकदार होता है बहुत से, और उसको हम डाई भी कर सकते हैं ब्यूटीफुल कलर में, उसको डाई मतलब कि उसको हम कलर कर सकते हैं, वो पहले वाइट होता है पर उसको हम अलग अलग कलर दे सकते हैं। समझ में आए? तो क्वेश्चन आएगा ये कौन से हम इसको डाई कर सकते हैं, तो आपको लिखना नंबर से लिखना। क्लियर, अब आगे, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। आपको क्वेश्चन आएगा विच इज द ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, क्वेश्चन आएगा विच इज द ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ओल्ड ऑक्यूपेशन है? तो सेरिकल्चर इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरिकल्चर विच इज द ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, तो सेरिकल्चर इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। क्लियर, समझ में आया? ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, इसलिए आप ये भी लिख लो अपने बुक में, सेरिकल्चर इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया।
इतना समझ में आया। अब जो है एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज कर लें। सिल्क, सिल्क के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले सेरीकल्चर, और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर है जो हमें सिल्क वॉर्म में से मिलता है। सिल्क वॉर्म में से हमें सिल्क फाइबर मिलता है और वो एनिमल फाइबर है। क्लियर। फिर द रियल ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। कौन सेरीकल्चर बोलेंगे, आपको क्वेश्चन है अबाउट इज सेरीकल्चर, तो आपको लिखना है द रियलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। क्लियर, आपको ये लिखना है व्हाट इज सेरीकल्चर के क्वेश्चन में। सेरीकल्चर को ऑब्टेन करने की प्रोसेस है उसको हम सेरीकल्चर, ठीक है। फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म, लाइफ हिस्ट्री कैसे, तो सबसे पहले एग होता है, हैच करता है, लार्वा बनता है, प्यूपा, प्यूपा में से होता है, प्यूपा में से कैटरपिलर, इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो कैटरपिलर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैटरपिलर और व्हाट इज सिल्क वॉर्म, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके लिए ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, या तो ये आंसर लिखना है, डिफाइन में कुछ डिफाइन में लिखना है और क्वेश्चन आंसर में आएगा तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन आंसर में आएगा फिर आपको डिफाइन में भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए वो याद रखना। फिर जो है द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल्फ कॉम्प्लेक्स स्टेज फॉर प्यूपल, यहाँ पे इसके बाद जो है एग, लार्वा, फिर अब प्यूपा, प्यूपा आगे बढ़ते